हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ज्वाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आपके लिए खास बात लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पेज पर जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उस वीडियो में थंबनेल कहाँ से लगेगा और कैसे लगेगा। तो मैं बहुत ही न्यू ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि फेसबुक पेज पर थंबनेल कैसे लगाएं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो क्या करेंगे हम फेसबुक पेज पर थंबनेल लगाने के लिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑनलाइन ही जो है थंबनेल लगा पाएंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। जब क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस क्रिएटर स्टूडियो, जब आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे ठीक है, जब फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइड ठीक है। जब आप डेस्कटॉप साइड जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। जब इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा है कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, जो कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी आपके फ़ोन स्क्रीन पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा ठीक है। जब आप कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे जो पोस्ट का आइकन दिख रहा है, कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी के नीचे जो पोस्ट का आइकन दिख रहा है आपको पोस्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है ठीक है। जब पोस्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने होम पेज पे मतलब जितनी आपकी फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड है वो आपकी वीडियो इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पे जो वीडियो आप सिलेक्ट करना चाहें थंबनेल के लिए वो यहाँ से वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस वीडियो पर ही आपको थंबनेल लगाना है। अब मान लीजिए मुझे कोई सी एक यहाँ से हम वीडियो ले लेते हैं थंबनेल लगाने के लिए, कोई सी वीडियो, मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे ऊपर की ही वीडियो लेना है, मैं मतलब मुझे जिस वीडियो पर थंबनेल लगाना उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, मतलब उस वीडियो पर ओके करेंगे ठीक है। अब मुझे इस वाली वीडियो पर थंबनेल लगाना था, यहाँ पे मैंने उस पर ओके किया तो इस तरीके का पेज ओपन हुआ ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है जो है आपको इससे आगे क्या करना है, यहाँ पे जो ऐड के आइकन दिख रहे हैं आपको राइट साइड में नीचे की साइड में देखो जो ऐड का आइकन दिख रहा है आपको, ऐड वाले नीचे वाले आइकन पे आपको क्या करना है, ओके करना है। जब नीचे वाले ऐड पे आपको ओके करेंगे मतलब ये तो टैग का है और उससे नीचे जो ऐड का आइकन दिख रहा है आपको उस ऐड पे आपको क्या करना है, ओके करना है। जब आप उस पर ओके करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपकी जो वीडियो है ऊपर यहाँ पे वीडियो के ऊपर जस्ट ऊपर ही थंबनेल का आइकन जो दिख रहा है थंबनेल लिखा हुआ उस पे आपको ओके करना है। जब उस पे आप ओके करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, आपकी तीन क्वालिटी में वीडियो आ जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। अब आपको आपके जो कस्टम इमेज लिखा है कस्टम इमेज वाले आइकन पे आपको क्या करना है, ओके करना है क्योंकि हम यहाँ से ही थंबनेल निकालेंगे। जैसे यूट्यूब के स्टूडियो से थंबनेल निकालते हैं कस्टम इमेज से, वैसे यहाँ से भी थंबनेल निकाल लेंगे जो आप थंबनेल फेसबुक पेज पर लगाना चाहें जो आपने बना रखा हो ठीक है। वो यहाँ से क्या करेंगे थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे, थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जब आप थंबनेल सेलेक्ट करेंगे तो फिर भी वही आप उसी पेज पे फिर से वापस पहुँच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे वीडियो के ऊपर आपका थंबनेल लग चुका है ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी लगा नहीं, अब आपको यहाँ से सेव करना पड़ेगा। जो कोने में लिखा है सेव का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेव वाले आइकन पे आपको ओके करना पड़ेगा। जब आप सेव वाले आइकन पे ओके करेंगे तो आपकी वीडियो में पूरा चेंजेस आएगा, पूरा प्रोसेस चलेगा और आपका थंबनेल जो होगा वीडियो पर सेव हो जाएगा। अब मेरा वीडियो पर थंबनेल सेव हो गया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, थंबनेल तो हो गया सेव बट जो है कन्फर्म करने के लिए फिर से हम फेसबुक पेज पर जाएंगे। फेसबुक पेज पर जाने के बाद अपना चैनल ही खोलेंगे, अपने चैनल में फिर से वीडियो देखेंगे कि हमारी वीडियो पर थंबनेल लगा है या नहीं लगा है। 100% आपके वीडियो पर थंबनेल लग जाएगा इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तब। अब यहाँ से देखो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो पर मैंने थंबनेल लगाया था वही वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा।
यहाँ से नीचे होगी वो उस वीडियो पर मतलब थंबनेल मैंने लगाया था उसी वीडियो पर थंबनेल लग जाएगा। अब यहाँ से देखो नीचे साइड में यहाँ पे देखो क्या आ गई वीडियो, ये वाली वीडियो पर मैंने थंबनेल लगाया था। देखो यहाँ पे इस वाली वीडियो पर मैंने थंबनेल लगाया था, इस वाली वीडियो पर मेरा थंबनेल लग चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने फेसबुक पेज पर थंबनेल लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप सीख गए होंगे थंबनेल लगाना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।